नमस्कार साथियों, इस समय मैं राजकीय सर्वोदय बाल विद्यालय ई ब्लॉक नंद नगरी में है। यहाँ पर आज मेगा पीटीएम का आयोजन किया गया है, जो दिल्ली सरकार ने हर बार कराती रही है और इस बार भी कराया गया है। तो हम लोग कुछ पेरेंट्स खड़े हैं, तो हम इन्हीं से बात करेंगे कि भाई मेगा पीटीएम के बारे में कि इन्हें क्या क्या बेनिफिट हुए हैं मेगा पीटीएम से और बच्चों से। सर आप बताएंगे कि आपको आपके बच्चे या स्कूल में आने से क्या पता चलता है? सर हमें आने से पता लगता है कि हमारे बच्चे पढ़ाई कैसे कर रहे हैं और टीचर किस तरीके से बच्चों से पेश आते हैं, ये सब हमें जानकारी मिलती है। तो मैं कहना चाहूँगा यहाँ के टीचर बहुत अच्छे हैं, जिनसे मेरी बात हुई है उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से समझाया है कि बच्चे किस तरीके से पढ़ रहे हैं और पढ़ने की उनके मतलब चांस है। सर जैसे मेगा पीटीएम जो है ना प्राइवेट स्कूलों में भी कराई जाती थी, लेकिन ये प्राइवेट स्कूलों के चलते सरकारी स्कूलों में जो हो रहा है तो कितना अच्छा लगता है? सर ये बेहतर है, बेहतर है। हमने सुना है कि कुछ जो ना लोग जैसे विपक्ष के लोग जैसे इस मेगा पीटीएम को रोकना चाहते थे और वो कहते कि मेगा पीटीएम नहीं होनी चाहिए, तो आप क्या बताएंगे कि मेगा पीटीएम होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? सर होनी चाहिए, होनी चाहिए। ये बहुत ज़्यादा मतलब बेहतर रहता है इसके पेरेंट्स के लिए, उनको जानकारी मिलती है इससे यहाँ आने से, टीचर और पेरेंट्स का एक लगाव हो जाता है जी। तो उससे आपके बारे में आपके और आपके बच्चों के बारे में पता लगता रहता है कि बच्चा हमारा क्या कर रहा है जी। बिल्कुल पता लगता है यहाँ आने से। अच्छा, स्कूल में जो सुविधाएं हैं जैसे सरकार ने दी है, तो क्या क्या आपको कुछ बदलाव लगा है इस सरकार को आने से या इससे पहले? सर ये सरकार आने से हमें काफ़ी बदलाव लगा है। क्या लगा बताएंगे? बच्चे ठीक पढ़ रहे हैं पहले के हिसाब से और कंट्रोल भी रहता है। कुछ बच्चे भी खड़े हैं, हम इनसे भी जानकारी लेते हैं। आप लोग बताओगे कि आपको क्या क्या सुविधा मिली स्कूल के अंदर और क्या चल रहा है? स्कूलों में नई बिल्डिंगें बनी हैं जी, स्कूलों के बाहर गार्ड लगे हैं जी, और स्कूलों में नई टंकियाँ लग गई पानी की और टॉयलेट एकदम टॉयलेट साफ रहते हैं। अच्छा। हाँ क्या रहता है बताइए? और पानी टंकी को भी साफ सुथरा पानी आता है, खाने को मिलता है 8 क्लास तक और कॉपी किताब सब पढ़ते हैं यहाँ पे 8 क्लास तक। कौन सी क्लास में पढ़ते हो बेटे? 9th क्लास। क्या नाम है आपका? सचिन। देखिए ये सचिन है, कितना अच्छा बता रहा है और बोल रहा है कि हमें जो सुविधाएं पहले नहीं मिलती थी अब जो मिलती है। तो आप लोग और भी कोई आप बताओ भाई, स्कूलों में मतलब बच्चे भाग भी नहीं पाते हमारे तो स्कूल में मतलब बच्चे इधर उधर घूमते नहीं, आवारा गर्दी कम करते हैं, क्लास अच्छी जिस तरीके से पढ़ाते हैं वो सब समझ में आता है? हाँ टीचर जो पढ़ाते बिल्कुल सब समझ आता है। और कोई आप बोलना चाहोगे कुछ आप? देखिए ये कुछ बच्चे भी बड़ा अच्छा बता रहे हैं और जो है पेरेंट्स भी बता रहे हैं कि कितना अच्छा महसूस हो रहा है और जो है आने वाला समय भी ये चाह रहे हैं कि हमें बहुत अच्छा लगे। हाँ बोलिए बोलिए। अच्छा हैप्पीनेस भी चलता है? हाँ सर। अच्छा उसके चलते क्या महसूस होता है आपको? उसके चलते ये महसूस होता है कि जो हमारा माइंड इधर उधर घूमता है ना, सर करके हमें कंट्रोल करने के लिए पढ़ाई में फोकस करवाते हैं, सर उनके ध्यान लगवाते हैं 5-10 मिनट के लिए कि पढ़ाई में हमारा फोकस जाए, माइंड फ्री। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, कितना अच्छा बच्चा है, देखिए कितना अच्छा बताया है ना। अच्छा आप कुछ बताना चाहेंगे? हाँ बताइए। अच्छा अच्छा आप लोग कैसा लगता है स्कूलों में आप लोगों को? बहुत अच्छा लगता है, सभी लोगों से प्रेम भाव अच्छा मिलता है, पढ़ाई में पहले से बहुत सुविधा हो गई काफी स्कूल में। हाँ हाँ पानी वानी की सब चीज़ों की साफ सफाई। तो दिल्ली ये जो दिल्ली सरकार इस समय जो सरकार चल रही है, क्या आप संदेश देना चाहेंगे कि सरकार अब दोबारा कौन सी सरकार आनी चाहिए? केजरीवाल। ऐसा क्या कर दिया केजरीवाल सरकार ने? केजरीवाल ने बहुत कुछ कर दिया, स्कूलों को प्राइवेट बना दिया। अच्छा क्या रोजगार दे दिया, मतलब बस में किराया फ्री लगता है? अच्छा 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 ठीक है। अच्छा 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 ठीक है, धन्यवाद आप सभी का, आप सभी लोगों ने समय दिया, धन्यवाद। धन्यवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, धन्यवाद।